ऑलराइट गाइस, तो इस टाइप का एस्थेटिक वीडियो एडिट करने के लिए आपको अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलाइट मोशन ऐप को सबसे पहले आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ज्वाइन करके वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो को फुल देख लेना, उसके बाद में जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। अलाइट मोशन ओपन होने पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक में एग्जाम्पल देने वाला हूँ ये, तो इस एग्जाम्पल को आपको इम्पोर्ट करना अलाइट मोशन ऐप के अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल इंपोर्ट करना और डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसका वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पर पिन ऑप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग इजीली से वॉच कर लेना, ठीक है। उसके बाद में सबसे पहले ओपन कर लेना है यहाँ पे आपको एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को, तो इस तरीके से खुलने वाला है, ठीक है। इसका मैं एक ट्यूटोरियल पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन अभी मैं रील्स वीडियो देख रहा था तो उसमें मुझे ये दिख गया, ठीक है। तो मैंने सोचा एडिट करना बता दूँ इसको, तो इस कैसे एडिट होगा ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर एक सॉन्ग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। मैंने इसको कंप्लीट एडिट कर रखा है ताकि आपको आसानी हो समझने में, बाकी काफ़ी ज़्यादा डायलॉग नहीं बना पाएंगे इसको, तो थोड़ा हार्ड एडिटिंग है ये। उसके लिए प्लस पर टैप करना, सॉन्ग ऐड करने के लिए ऑडियो पर जाना एंड यहाँ से आपका जो भी सॉन्ग रहेगा ना वो आपको यहाँ से ऐड कर लेना। तो मैं कोई भी एग्जाम्पल के लिए ऐसे सॉन्ग ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए। उसके बाद होल्ड करके सबसे नीचे कर लेना, ठीक है। फोटो लगा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, फोटो में इफेक्ट भी लगे हुए हैं। तो यहाँ से क्या करना है, आपको दूसरा फोटो लगाना होगा, तो उसके लिए कलर एंड फिल के ऑप्शन पे चले जाना आप लोग। स्टार पे टैप करना यहाँ से एंड गैलरी ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप लोग फोटो चेंज कर लेना, ठीक है। पिंटरेस्ट ऐप यूज कर सकते हो फोटो ऐड करने के लिए, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर हो तो। मेरी तरह पिंटरेस्ट ऐप जो है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ मिल जाता है इस टाइप के। तो यहाँ से मैं एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो चेंज कर लेता हूँ जैसे, ठीक है, कोई दूसरा फोटो ले लेते हो ये, तो इस तरीके से आप लोग ऐड कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में क्या करना, फोटो चेंज हो चुका है। अब क्या करो कि ग्रुप वन लिखा है ना, इसके ऊपर में टैप करना सिंपली से और यहाँ से चले जाना एडिट ग्रुप के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जाने बाद अब देख सकते हो इस तरीके से आएगा, ठीक है। इसके अंदर सारा कुछ कंप्लीट लगा रखा है इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग, तो आपको सभी कुछ एडिट करके यहाँ पर चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इधर नीचे आते हैं, यहाँ पर आने बाद देख सकते हो सबसे पहले जो सॉन्ग का नेम है ना वो लिख रखा है यहाँ पर, तो इस पर टैप करना, डबल ए पर टैप करना। इसके अंदर जो फॉन्ट, वीडियो क्लिप सब कुछ यूज होगा ना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। इसके अंदर मॉडर्न एम नाम का फॉन्ट है, तो दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो। उसके बाद ऐड करना भी फॉन्ट बताऊँगा अभी। उसके बाद मैं देख सकते हो ये नेम लिख रखा है, ठीक है। तो आप जो भी सॉन्ग यूज कर रहे हो ना उसके यहाँ पर जो भी सिंगर है उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद मैं देख सकते हो यहाँ पे मेरे चैनल आईडी का भी नाम लिख रखा है, ठीक है। तो इसका भी नेम आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे iOS इमोजी आपको टाइप करनी है ये वाली, और इसमें iOS फॉन्ट यूज कर लेना, ठीक है। मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग यूज कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे दो इमोजी लगी हुई थी, इसके अंदर भी iOS फॉन्ट है, ठीक है। तो आपको फॉन्ट कैसे ऐड करना अलाइट मोशन ऐप के अंदर वो बताता हूँ। उसके लिए व्यूअल फॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना, आपको ऊपर थ्री लाइन दिखेगी कोने में, यहाँ पर क्लिक करके इम्पोर्ट फॉन्ट पर चले जाना। जो भी फॉन्ट आप लोग डाउनलोड करके लेके आओगे ना ड्राइव फोल्डर से, तो वो फॉन्ट आपके डाउनलोड वाला फोल्डर में आएगा। तो यहाँ से देख सकते हो जो भी फॉन्ट है ना उसके ऊपर में टैप करना एंड सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से फॉन्ट आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद उसकी नेम सर्च कर लेना। तो इस तरीके से अलाइट मोशन ऐप के अंदर फॉन्ट ऐड कर सकते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेरे चैनल आई डी नेम है ना, इस पर भी टैप करके आप लोग इसको भी एडिट कर लेना, ठीक है। इसकी लेयर अभी मुझे मिल नहीं रही, तो इसको भी आप लोग कर सकते हो। उसके बाद में ये वाली जो बटरफ्लाई है ना, इसके अंदर कोई भी इमोजी लगा सकते हो, जरूरी नहीं एक बटरफ्लाई लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ वो इमोजी आप लोग टाइप कर लेना है यहाँ से जाके, तो देख सकते हो इस तरीके से चेंज हो जाएगा यहाँ पे। इसके अंदर iOS वर्जन इमोजी लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में सारी लिरिक्स आपको क्या करनी, जो सॉन्ग रहेगा ना वो पहले यहाँ पर ऐड करना आपको, ठीक है, ताकि आपको बीट मार्क लगा सकोगे आप लोग और यहाँ पर लिरिक्स भी टाइप कर सकोगे। तो यहाँ पर फर्स्ट में देख सकते हो टेक समवन, इसके अंदर इफेक्ट भी सारे लगे हुए हैं। उसके बाद में क्या करना, आगे आना है तो यहाँ पर जो लिरिक्स स्टार्ट हो रही है ना उसके ऊपर में आना है, डबल ए पे आना, और आप जो सॉन्ग एड करोगे वो यहाँ पर आपको लिरिक्स टाइप कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न एम फॉन्ट यूज कर लेना, ऐड करना मैंने बता दिया।
जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर मटेरियल डाउनलोड करना नहीं आता तो मैं फिर से बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पर पिन ऑप्शन मैंने एक वीडियो डाल रखा है, छोटा सा वीडियो 1 मिनट का, उसको देख लेना ठीक है, तो समझ जाओगे। उसके बाद आपको सारी लिरिक्स अंत तक बना लेनी, उसके बाद यहाँ से इस तरीके से फाइनली वीडियो क्रिएट हो जाता है ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, यहाँ से एक वीडियो क्लिप मैंने लगा रखा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, बैक आना है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके का इफेक्ट के साथ में फाइनली ये चलेगा ठीक है। उसके बाद में क्या करोगे, आपको इसको सेव कर लेना होगा ठीक है, तो सेव कर लेना है यहाँ से। मैंने इसको ऑलरेडी से सेव कर रखा है तो मैं बैक आ जाता हूँ। अब क्या करना है, अगर आप लोग इसके अंदर रेन ड्रॉप्स ऐड करना चाहते हो ना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना रखा है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसको देख लेना। अगर इसके अंदर आप लोग स्नो ऐड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंसर्ट ऐप को ओपन करना, मैं स्नो ऐड करना बताता हूँ ठीक है। तो आप लोग रेन ड्रॉप्स ऐड करना चाहते हो तो वो वाला ट्यूटोरियल देख लेना जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें मैंने बताया नोड वीडियो एडिटर में कैसे ऐड कर सकते हो ठीक है। वीडियो पर टैप करना, न्यू पर टैप करना और यहाँ से ऊपर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से वो वीडियो क्लिप सेलेक्ट करनी है जो आप लोग बना के लेके आओगे लाइट मोशन से, इसके अंदर स्नो ऐड करने के लिए ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, देख सकते हो। उसके बाद स्टार्टिंग में रहना है आपको, स्टार्टिंग में रहने के बाद फिल्टर वाले ऑप्शन पे जाना, इफेक्ट में चले जाना ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इधर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आने के बाद वेदर के अंदर आना है ठीक है। इसके अंदर भी है वैसे रेन का इफेक्ट थोड़ा सा नहीं करता, उसके अंदर आप लोग स्नो ऐड करना, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ये स्नो है ना, इसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है देख सकते हो। उसके बाद इसकी जो वैल्यू है कुछ इतनी रख लेना, या फिर जितना आपको सही लगे उतना रख लेना ठीक है। तो मैं कुछ इतना रख ले, तो देख सकते हो इस तरीके से स्नो आएगा। उसके बाद इस पर टैप करना है, वीडियो के एंड तक कर लेना है इसको, देख सकते हो। उसके बाद देखो कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है ठीक है, ये फिर इस तरीके से प्ले होगा, उसके बाद फाइनली वीडियो क्रिएट हो जाता है। इसको सेव कर लेना है, यहाँ पे ऊपर सेव पे टैप करके यहाँ से सेव कर लेना है। उसके बाद इंस्टाग्राम पर जाके कोई भी इसके अंदर एक मस्त वाला इफेक्ट लगा के वहीं से आप लोग इसको अपलोड कर लेना ठीक है, ट्रेंडिंग सॉन्ग पे। तो फाइनली यहाँ से वीडियो क्रिएट हो जाता है। अगर आपको वीडियो की एडिटिंग पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर लेना अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।